विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की योगी सरकार युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में प्रदेश के युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। इसके लिए डीजी शक्ति नाम से एक पोर्टल बनाया गया है, जिसे जल्द ही सीएम योगी लॉन्च करेंगे। चुनावी मौसम में वोटरों को लुभाने की कवायद जारी है। बीजेपी की नजर सूबे के युवा वोटर्स पर है और युवा वोटर्स को साधने के लिए सीएम योगी वादे के मुताबिक उन्हें स्मार्टफोन का तोहफा देने जा रहे हैं। दिसंबर के दूसरे हफ्ते से युवा लाभार्थियों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। इसके लिए डीजी शक्ति नाम से एक पोर्टल भी बनाया गया है, जिसे जल्द ही सीएम योगी लॉन्च करेंगे। उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का निर्णय स्वागत योग्य है, अभिनंदन के योग्य है। इससे जहां उत्तर प्रदेश के युवा समर्थ बनेंगे, वो विज्ञान और तकनीक में अपनी पारंगत हासिल कर सकेंगे, वहीं विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन बढ़ेंगे, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए एक फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। पहली खेप में करीब 2.5 लाख टैबलेट और 5 लाख स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निशुल्क है। छात्रों का डेटा कॉलेजों की ओर से यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के माध्यम से फीडिंग होगी।